नमस्ते दोस्तों। तो आज इस वीडियो में आपको 9 वोल्ट का एलईडी बल्ब आपको रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ, और भी फ्री में रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में बताई गई ट्रिक को यूज करके आप किसी भी एलईडी बल्ब का रिपेयर कर सकते हो। वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस एलईडी बल्ब किस तरह से रिपेयर करे, तो इस ट्रिक को आप यूज करके रिपेयर कर सकते हो। चलिए आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से कोई भी आपको एक खराब एलईडी बल्ब आपको ले लेना है इस तरह से, तो इसको खराब एलईडी बल्ब को रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जो खराब एलईडी बल्ब देख सकते हैं, कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर को छोड़ के सारे कंपोनेंट को आपको निकाल लेना है। चलिए सारे कंपोनेंट को आपको निकाल कर दिखाते हैं। तो इस तरह से आपको भी सारे कंपोनेंट को निकाल लेना है। तो देख सकते हैं, हमने सारे कंपोनेंट को आप निकाल लिया देख सकते हैं इस एलईडी बल्ब में। तो इसे कंपोनेंट को हम साइड में रख देंगे, तो उसमें बाद में दूसरी प्रोजेक्ट में हम इसको यूज में लेने वाले हैं, तो इसको साइड में रख देते हैं। तो देख सकते हैं सारे कंपोनेंट को हमने निकाल लिया। तो इसमें और एक चीज को जरूरत पड़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो उस ब्रिज रेक्टिफायर को आपको नहीं निकालना है, तो उसको भी आपको जरूरत पड़ेगा। तो देख सकते हैं पुराने टॉर्च लाइट में आप देख सकते हैं इस तरह से पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ आपको मिल जाएगा इस तरह से। तो इसमें पीएफ कैपेसिटर को आप लगाने वाले हैं यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी आपको पीएफ कैपेसिटर को लेना है तो उसका नंबर आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं हमने यहाँ पर 105J 400 वोल्ट का पीएफ कैपेसिटर आप यूज में लेने वाले हैं। तो इस पीएफ कैपेसिटर को यहाँ पर इस एलईडी बल्ब के हाथ में लगाने वाले हैं। तो इस पीएफ कैपेसिटर को यहाँ पर जो ब्रिज रेक्टिफायर के हाथ में इसको कनेक्शन करने वाले हैं। चलिए इसको कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इस पीएफ कैपेसिटर को हमने ब्रिज रेक्टिफायर पर एक लेग के साथ में इसको कनेक्शन कर लिया। देख सकते हैं इस तरह से आपको पीएफ कैपेसिटर को ब्रिज रेक्टिफायर के साथ में इस तरह से कनेक्शन कर लेना है। इसके बाद में आपको दो वायर चाहिए इस तरह से, देख सकते हैं दो नौ वायर लेना है आपको। दोनों वायर को इस ब्रिज रेक्टिफायर के साथ में कनेक्शन करने वाले हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस और प्लस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इस तरह से, तो वहीं पर इस दोनों वायर को आपको कनेक्शन कर लेना है। चलिए इसको दोनों वायर को कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो अब देख सकते हैं हमने दोनों वायर को यहाँ पर कनेक्शन कर लिया, देख सकते हैं माइनस और प्लस देखकर इसको कनेक्शन कर लिया यहाँ पर। तो इस तरह से आपको दोनों वायर को कनेक्शन कर लेना है। इसके बाद माइनस वायर को आपको कैपेसिटर के माइनस साथ में आपको कनेक्शन कर लेना है यहाँ पर। तो माइनस वाला सिंबल आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसी में इसको माइनस वायर को इसको कनेक्शन कर लेना है इस कैपेसिटर के साथ में। चलिए इसको कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो इसी तरह माइनस वायर को हमने कैपेसिटर के माइनस साथ में इसको कनेक्शन कर लिया। तो इस तरह से आपको जो प्लस वायर आप देख सकते हैं, तो इसको भी आपको कनेक्शन करना है। इस प्लस वायर को आपको ट्रांसफार्मर के साथ में कनेक्शन करना है। तो आप ट्रांसफार्मर देख सकते हैं यहाँ पर उसको दो लेग देख सकते हैं, तो इसमें जो फास्ट वाले लेग यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें इसको कनेक्शन कर लेना है। चलिए इसको वायर को प्लस वायर को आपको कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपको भी कनेक्शन कर लेना है, माइनस वायर को कैपेसिटर के माइनस साथ में, प्लस वायर को इस छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो उसके साथ में इसको कनेक्शन कर लेना है। अब देख सकते हैं हमने दोनों वायर को यहाँ पर कनेक्शन कर लिया, जैसे प्लस वायर को ट्रांसफार्मर के साथ में और माइनस वायर को कैपेसिटर के माइनस साथ में हमने कनेक्शन कर लिया। तो इस तरह से आपको दोनों वायर को कनेक्शन कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से कनेक्शन करके इसको यूज में ले सकते हो। जिससे इसको 9 वाट का एलईडी एमसीपीसीबी को यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर माइनस वायर को माइनस साथ में और प्लस वायर को प्लस के साथ में इसको कनेक्शन कर लेंगे। तो देख सकते हैं 9 वाट का एमसीपीसीबी को हमने यहाँ पर कनेक्शन कर लिया ड्राइवर के साथ में। तो चलिए इसमें इनपुट वायर को लगाने वाले हैं यहाँ पर, इनपुट दो वायर लेंगे, तो इसको दोनों वायर को इसमें लगाने वाले हैं इस तरह से देख सकते हैं। तो दोनों वायर को हम ले लिए, तो एक वायर को हम जो पीएफ कैपेसिटर के साथ में इसको लगा लेंगे यहाँ पर। तो देख सकते हैं हमने एक वायर को पीएफ कैपेसिटर के साथ में हमने लगा लिया, दूसरी वायर को जो ब्रिज रेक्टिफायर का दूसरी लेग के साथ में हम लगा लेंगे यहाँ पर, इनपुट वाला लेग आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो उसमें लगा लेंगे यहाँ पर। तो देख सकते हैं हमने दोनों वायर को कनेक्शन कर लिया। चलिए आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हमने ब्रिज रेक्टिफायर एक लेग के साथ में पीएफ कैपेसिटर को लगा लिया देख सकते हैं, दूसरी लेग के साथ में और एक वायर को लगा लिया यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोनों वायर जो हमने लगाए, तो उसमें आप इनपुट देने वाले इनपुट एसी देंगे तो ये लाइट ग्लो करेगा। चलिए इसको आपको दिखाते हैं अच्छी तरह से। इसको देख सकते हैं माइनस वायर को हमने कैपेसिटर के माइनस साथ में कनेक्शन कर लिया और यहाँ पर प्लस वायर को यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के साथ में कनेक्शन कर लिया। तो इस तरह से आपको अच्छे से कनेक्शन करना है। तो चलिए इसके बाद आपको चेक करके दिखाते हैं। देख सकते हैं इस वायर में हमने 2 पिन प्लग को लगा लिया यहाँ पर। चलिए इसको इलेक्ट्रिक बोर्ड पर लगा कर आपको दिखाते हैं। तो स्टिक को यूज करके इस एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हो, भी फ्री में आपको रिपेयर कर सकते हो। तो आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। इस तरह से वीडियो देखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो पर।